ये देखिए फिलिप्स का जूसर है और ये दो मोड पे चलता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये देखिए इसका टेक्निकल टर्म लिखा हुआ है और ये आधा लीटर का है। ये बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं या जो पीजी में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, ये देखिए ये इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। जो बच्चे पीजी में रहते हैं आराम से जूस निकालेंगे। ये देखिए इसका एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये देखिए ये है, और ये धोने में भी बहुत आसान रहता है। ये देखिए बस ऐसे हमने फिट कर लिया, और जब खोलना है तो ऐसे करेंगे, और जब ये लॉक करना है तो बस ये ऐसे लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये हम लगाएंगे और फिर इस पे जूस निकालेंगे, क्योंकि ये सिट्रस जूस आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए अब हमने संतरा ले लिया है और इसको काट लिया है। ये क्लॉकवाइज भी चलता है और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ चलता है। ये देखिए इसको लॉक करना बहुत जरूरी रहता है ये, और नहीं तो ये खिसकने लगता है। इसका बाजार में नया मॉडल भी आ गया है, उसका भी हम लिंक शेयर कर देंगे आपको, तो आप देख लीजिएगा नया मॉडल और भी बहुत अच्छा है। ये देखिए अब इसका जूस निकल गया, ये अब हम आपको आराम से इसमें, ये देखिए इसका लॉक खोलना बहुत जरूरी। ये देखिए ऐसे इसको खोल लिया मैंने और ये देखिए इसका जूस निकाल लिया। इसमें देखिए कोई भी बीज नहीं आया है, आपका जितना भी बीज है सब इसी में आया है। अब हम इसको धोने का तरीका दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको धोने के लिए सबसे अच्छा सीधा नहीं धोएंगे, ऐसे आप जहाँ भी उल्टा कर देंगे, ये देखिए उल्टा कर देंगे एकदम से क्लीन हो जाएगा। हॉस्टल वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए इसमें तुरंत से ये साफ हो गया, ये देखिए। ये देखिए ये भी आसानी से साफ हो गया, इसको कोई भी झंझट नहीं है। इत्मीनान से साफ करिए। अब हम अपना मिनी ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।